गुड मॉर्निंग बच्चों. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर नंबर 2, माय फैमिली. सो स्टूडेंट्स, ये जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, माय फैमिली, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. हमने इसे रीड कर लिया है एंड इसका बुक वर्क कंप्लीट कर लिया है. तो बुक वर्क में मैंने आपको बताया था, आपका जो ए क्वेश्चन है वो क्या है, वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो वही हम आज करेंगे. तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो, व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली. तो मैंने आपको न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बताया था लास्ट टाइम. न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? न्यूक्लियर फैमिली एक स्मॉल फैमिली होती है जिसमें कौन कौन होते हैं, फादर होते हैं, मदर होते हैं एंड उनके बच्चे होते हैं. मतलब पेरेंट्स जो हैं वो सिर्फ अपने बच्चों के साथ रहते हैं, ऐसी फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं. तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, न्यूक्लियर फैमिली हैज़ फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन. तो एक न्यूक्लियर फैमिली के पास क्या होते हैं, एक तो फादर होती है, एक मदर होते हैं और उनके बच्चे होते हैं. तो ये सब साथ में मिलके रहते हैं और ये स्मॉल फैमिली होती है, राइट. अब है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ अ जॉइंट फैमिली. अब जॉइंट फैमिली क्या होती है स्टूडेंट्स, जॉइंट फैमिली होती है एक लार्ज फैमिली जिसमें कौन कौन होते हैं, जिसमें आपके पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, आपके सिस्टर ब्रदर है ना, और आपके चाचा चाची ताऊ ताई ये सब होते हैं, है ना. तो अ फैमिली हैविंग, यहाँ क्या लिखा है, अ फैमिली हैविंग ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स अंकल्स आंट्स एंड कजिन्स इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली. तो ऐसी फैमिली जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अंकल्स होते हैं, आंटीज होती हैं, कजिन्स होते हैं, ऐसी फैमिली को हम क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली कहते हैं. ओके, तो समझ आ गया होगा आपको जॉइंट फैमिली क्या होती है. अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. तो थर्ड क्वेश्चन पे क्या लिखा है, व्हाट काइंड ऑफ फैमिली डू यू हैव. तो आपके पास किस टाइप की फैमिली है, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप कैसी फैमिली में रहते हैं, है ना. तो आपको आंसर देना है, ठीक है. तो अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपको क्या लिखना है, आई हैव जॉइंट फैमिली. बट अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो आपको क्या लिखना है, आई हैव न्यूक्लियर फैमिली. तो ये दोनों में से एक आंसर आपको लिखना है, इन दोनों में से कोई एक आंसर आप लिखेंगे. ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट दोनों ही आंसर लिख दे, नो, हम एक आंसर लिखेंगे. अगर आपके फैमिली में आपके मम्मी पापा और आप रहते हैं सिर्फ, तो आपको न्यूक्लियर फैमिली लिखना है. लेकिन अगर आपके फैमिली में सभी लोग साथ में रहते हैं तो आपको जॉइंट फैमिली लिखना है, राइट. अब है क्वेश्चन नंबर 4, हु आर आवर रिलेटिव्स. तो हमारे रिलेटिव्स कौन होते हैं, आपको बताना है आपके कौन रिलेटिव्स होते हैं. आपके रिलेटिव्स कौन कौन हो सकते हैं, पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन होता है तो ये भी रिलेटिव, ग्रैंड पेरेंट्स ये भी आपके रिलेटिव, एंड अंकल्स आंटीज एंड देयर कजिन्स, तो ये सब आपके क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं, राइट. तो आपके रिलेटिव अंकल आंटी हो गए, कजिन्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ये सब आपके रिलेटिव्स होते हैं, राइट. अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू हैव फन विद योर फैमिली. तो आप अपनी फैमिली के साथ फ़न कैसे करते हैं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कैसे करते हैं, मस्ती कैसे करते हैं, हम कैसे करते हैं इंजॉय. वी हैव फन टू गो टू वॉच मूवीज. ओके, क्या क्या लिखा है मैंने यहाँ, वॉच मूवीज, फॉर शॉपिंग, टू वेडिंग पार्टीज और टू पार्क्स फॉर पिकनिक. तो देखो, हम कैसे फ़न करते हैं अपनी फैमिली के साथ में, हम मूवीज़ देखने जाते हैं, शादी पार्टीज़ में जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, कई फेस्टिवल्स अपने साथ में मनाते हैं. तो इस तरह से हम अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करते हैं और फ़न करते हैं. तो मैंने यहाँ यही लिखा है, वी हैव फन टू गो टू वॉच मूवीज़, शॉपिंग, टू वेडिंग पार्टीज और टू पार्क्स फॉर पिकनिक.
ओके तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट किए हैं। तो इन 5 क्वेश्चंस को आपको आपकी नोटबुक में नोट करना है, अच्छे से फेयर नोट करना है एंड गुड हैंडराइटिंग में इसे लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।